कम बैक टू ग्रेविटी सर्कल और पिछले वीडियो में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ते पढ़ते दो एक्सेप्शनल केसेस से हमारी मुलाकात हो गई थी तो हम लोगों ने वहां पर पहले उसको निपटाया अब आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 18 ग्रुप्स हैं हम देखेंगे कि इन अट्ठारह ग्रुप्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं दैट हाउ वी कैन स्टडी पीरियोडिक टेबल ग्रुप वाइज ठीक है तो हम लोग ग्रुप वाइज स्टडी कर रहे हैं और मैं आपको सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह बता दूं दैट आवर पीरियोडिक टेबल आर पीरियोडिक टेबल कैन बी डिवाइडेड इंटू कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स आपके पीरियोडिक टेबल को आप लोग फोर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो बेस्ड अपॉन ग्रुप्स ग्रुप्स को आप एक्चुअली पीरियोडिक टेबल में आप ग्रुप्स को चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हो सबसे पहले आपके पास में आएंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स दूसरे आपके पास में आएंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स तीसरे आपके पास में आएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड चौथे आपके पास में आएंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड सारे मेरे लाडले बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं वो क्यों आएंगे क्योंकि इनका जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो क्या रहा होगा एस ऑर्बिटल रहा होगा इनका जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो क्या रहा होगा पी ऑर्बिटल रहा होगा मतलब आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहां प्लेस रख रहे हैं हम लोग वो कहा रख रहे हैं पी शेल के अंदर देन डी ब्लॉक के अंदर आपका जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो डी ऑर्बिटल में होगा और इसके अंदर आपका जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो एफ ऑर्बिटल के अंदर होगा तो जिस इलेक्ट्रो एलिमेंट के अंदर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आपने इलेक्ट्रॉन रखना चालू करा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और ये आठवां वाला इलेक्ट्रॉन मेरा आखिरी इलेक्ट्रॉन है इसके बाद इलेक्ट्रॉन खत्म तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में बैठता है वो जिस ऑर्बिटल में बैठेगा वो एलिमेंट उस ब्लॉक को बिलोंग करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में बैठेगा आपका एलिमेंट उस ब्लॉक को बिलोंग करेगा क्या बात समझ में आ रही है हम लोगों को तो हम लोगों ने हमारे पीरियोडिक टेबल को चार पार्ट में डिवाइड किया एसपीडीएफ और ये एसपीडीएफ नाम कहां से आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तो, तो पूरी पिक्चर ही अब यहां पर क्लियर है कि हमारा पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के ऊपर बेस्ड है सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे द एस ब्लॉक एलिमेंट्स प्यारे बच्चों द एस ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से हमें एक चैप्टर भी है हम इसे वहां भी स्टडी करेंगे यहां सिर्फ आप लोगों को मैं कुछ इसके बारे में हिंट दूंगा ताकि आपको एक अच्छा सा फेमिलियर हो जाए इसके अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपको दो ग्रुप मिलेंगे ग्रुप वन एंड ग्रुप टू आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर दो ग्रुप दिखाई पड़ेंगे ग्रुप वन एंड ग्रुप टू ग्रुप वन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनएस वन होगा वहीं पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनएस टू होगा मतलब इसके वैलेंस ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल होगा इसका भी वैलेंस ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल होगा लेकिन इसके वैलेंस ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा इसके वैलेंस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे फॉर मैं आपको एक example भी करा देता हूं काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है लिथियम लिथियमिक नंबर थ्री तो ये इसका वन एस ये पूरी तरीके से भर गया और ये इसका टू एस टू एस में मात्र एक इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया इसके एन एस ऑर्बिटल के अंदर एनएस मतलब एन की जगह टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कुछ भी हो सकता है एन का मतलब हम लोग सब जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो एन कैन बी टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन अच्छा यहां पर वन क्यों नहीं लिया क्योंकि अगर यहाँ वन कर दोगे तो वो तो हाइड्रोजन का हो जाएगा और हाइड्रोजन तो अलग से प्लेस है ना, ना 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 समझ में आ रही बात यहां पर अगर अपन बात करें एन एस टू की तो इसका एग्जांपल अपन ले, ले लेते हैं यहां पर बेरेलियम <coughs> बेरेलियम का वन एस भरा हुआ है टूएस भरा हुआ है इसी वजह से ये बिलोंग करेगा ग्रुप टू को समझ में आ रही है बात यहां पर भी एन की वैल्यू टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन होगी वन नहीं होगी क्योंकि अगर वन रख दोगे तो तो हीलियम का हो जाएगा और हीलियम बिलोंग करता है ग्रुप एटीन को ठीक है क्या बात समझ में आ रही है तो ये दो नाम समझ में आ गए ना ग्रुप वन का कुछ नाम तो होगा तो इसे बोला जाता है अल्कली मेटल्स इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब अल्कली मेटल्स कहलाएंगे और इस ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो अल्कली अर्थ मेटल्स कहलाएंगे क्या ये बात समझ पा रहे हैं अल्कली क्यों बोलते हैं अल्कली क्लास टेंथ में पढ़ के आए हो बेसिक जिनका नेचर बेसिक हो तो जब ये अल्कली मेटल किसी हाइड्रोक्साइड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल अल्कली मेटल में एक नाम आता है एने अगर इसको हाइड्रोक्साइड के साथ कनेक्ट कर दूंगा तो ये एक तरीके का बेसिक कंपाउंड बनाएगा इसीलिए इनका नाम पड़ गया अल्कली अर्थ मेटल्स समझ रहे हैं और इनका नाम अल्कली अर्थ क्यों पड़ा बनाएंगे ये भी बेसिक सब्सटेंस हाइड्रोक्साइड्स के साथ हाइड्रोक्साइड्स के साथ ये भी बेसिक सब्सटेंस बनाएंगे लेकिन ये अर्थ क्रस्ट में से निकलते हैं जमीन में से निकलते हैं इसीलिए इनका नाम अल्कली अर्थ पड़ गया क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को तो क्या ये अर्थ से नहीं मिलते नहीं इसके अंदर ज्यादातर एलिमेंट्स पानी में से मिलते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम लिथियम ये सब सॉल्ट के फॉर्म में से नदी में से नदी नहीं सॉरी बड़े बड़े ओशंस में से या समुद्र में से निकल निकलते हैं तो इसीलिए दोनों में ये फर्क है क्या बात समझ में आ रही है अब दोनों ही ग्रुप के एलिमेंट्स की लो आयोनाइजेशन इंथे होती है लो आयोनाइजेशन इंथे दोनों ही ग्रुप की होती है भले ग्रुप वन हो एंड ग्रुप टू आयोनाइजेशन इंथेपी क्या होती है सर हमको तो मालूम ही नहीं आपने तो सिखाया ही नहीं आगे सीखेंगे अभी इतना समझ लो आयोनाइजेशन का मतलब होता है आयंस में कन्वर्ट होना मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो आयोनाइजेशन इंथेलपी का मतलब होता है एक एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है एनर्जी रिक्वायर बाय एन एटम टू लूज द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है तो जितनी एनर्जी लगती है उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथेल्पी लो आयोनाइजेशन इंथेल्पी का मतलब क्या है जरा सी एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन गायब जरा सी एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन गायब क्या बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों को कोई परेशानी कोई दिक्कत तो इन दोनों की आयनाइजेशन इन दोनों की कम होती है अब अगर कोई इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा मतलब ये क्या करेंगे ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा मतलब ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा क्योंकि ये आयोनिक बॉन्ड्स बना लेंगे भाई जैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो कोई इसके इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा जो इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा वो एनायन इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो ये कैटायन कैटायन एनायन जुड़ के तो सॉल्ट बन गए तो ये तो रिएक्टिव हो गए तो इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ने की वजह से दे आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स दीज आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स क्या बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों को क्या इसके अंदर किसी भी तरीके कोई डाउट देन अगर आप अल्कली मेटल्स में ऊपर से नीचे जाते हो लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सेजियम और फ्रांसियम बच्चों ये सारे एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स को बिलोंग करते हैं भाई अर्थ मेटल्स की बात करें तो बेरेलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉनशियम बेरियम रेडियम इनको याद करने की ट्रिक देखें दिस इज लीना लीना नाम की एक लड़की है की रब यानी रूबी आरबी यानी रेडियम रूबीडियम यानी रूबी, रूबी सी एस सेजियम मतलब से एफआर मतलब फ्रेंडशिप तो हे लीना की रब से फ्रेंडशिप या रब पढ़ सकते हैं या इसको रूबी पढ़ सकते हैं मैं इसको रब याद करता था भगवान से फ्रेंडशिप पर आजकल लोगों ने बोला रूबी से फ्रेंडशिप ज्यादा जरूरी है रब का तो चलता है तो रूबी से फ्रेंडशिप कर दिया बेरेलियम मैग्नीशियम कैल्शियम को याद करने की ट्रिक और फनी है ये आप लोगों के लिए बहुत एप्लीकेबल है सारे मेरे बेटों के लिए क्योंकि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए मैं ऐसा याद करता था पर अभी पिछले साल एक बच्चे ने मेरे को बोला कि सर हमारा बाप तो राजी है तो मैंने बोला ठीक है भैया आप दोनों तरीके से आजमा लो बेटा आप मांगो कार स्कूटर अगर हमारे पापा रेडी हैं तो बाप राजी लाद पड़ जाए तो रोए जो आपकी इच्छा हो अच्छा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोय रोए मैग्नेशियम कैल्शियम स्ट्रॉनशियम बेरियम रेडियम ये दोनों एलिमेंट्स हो गए ग्रुप वन एंड ग्रुप टू के जरा इसको ध्यान से पहले पहले देख लो पहले इतना समझ लो इतना जरा नोट कर लो क्योंकि कुछ रब करना पड़ जाएगा मुझे तो पहले जरा इतना देख लो देख लिया प्यारे बच्चों अब यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे देखिए क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है ग्रुप वन विल डोनेट वन इलेक्ट्रॉन वहीं ग्रुप टू विल डोनेट टू इलेक्ट्रॉन्स देखिए ग्रुप टू से दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं हर एटम कोशिश करता है कि उसके वैलेंस शेल में आठ इलेक्ट्रॉन आ जाए आप देखो भी आप यहां पर देखो भी अगर अपन इसके 2s को देखें तो इसके टू के साथ साथ इसके पास में टू भी होता है तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें दो इसमें दो इसमें दो इसमें हो गए आठ इलेक्ट्रॉन तो बेरेलियम और लिथियम दोनों कोशिश करेंगे कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में आठ इलेक्ट्रॉन हो जाए लेकिन अभी लिथियम के पास तो आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये सात इलेक्ट्रॉन कहीं से ला सकता है नहीं क्यों क्योंकि ये गरीब मेटल है मेटल भी कैसा रिएक्टिव रिएक्टिव क्यों क्योंकि इसकी आयोनाइेशन इंथेल कम है तो ये क्या करेगा ये बोलेगा अबे जान दो सात इलेक्ट्रॉन कौन लाए एक इलेक्ट्रॉन छोड़ो एक इलेक्ट्रॉन भगाओ और हीलियम की तरह दिखने लग जाओ <laughs> सिंपल एज बेरेलियम क्या बोलेगा अबे दो इलेक्ट्रॉन भगाओ हीलियम की तरह दिखने लग जाओ मतलब ये लोग क्या करेंगे ये लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे और नोबल गैस की तरह दिखने लग जाएंगे क्या ये बात समझ में आ रही है दे विल लूज द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम लाइक नोबल गैस नोबल गैस मतलब नॉन रिएक्टिव इनर्ट शांति से एक जगह बैठे रहो कोई चिंता नहीं समझ स्टेबल हो जाएंगे तो जिसके वैलेंस वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ग्रुप वन वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा जिसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है वो दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा एज सिंपल एज दैट और क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और फटाफट इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं इसीलिए दे नेवर फाउंड दे आर नेवर फाउंड इन प्योर स्टेट मतलब अगर आपको प्योर कैल्शियम देखना है नहीं मिलेगा प्योर मैग्नेशियम देखना है नहीं मिलेगा प्योर बेरेलियम देखना है नहीं मिलेगा प्योर लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सेजियम फ्रांसियम कोई प्योर फॉर्म में नहीं मिलेंगे प्योर मतलब प्योर सोडियम सिर्फ सोडियम सोडियम एन ए सी एल के फॉर्म में मिल जाएगा एन ए टू एस ओ फोर के फॉर्म में मिल जाएगा सीएल के फॉर्म में मिल जाएगा के टू एसओ फोर के फॉर्म में मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में मिल जाएगा क्या आपके कोलगेट में कैल्शियम है नहीं कोलगेट में प्योर कैल्शियम आता ही नहीं है कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम सॉल्ट्स के फॉर्म में कैल्शियम आता है प्योर कैल्शियम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव है तुरंत इलेक्ट्रॉन छोड़ के रिएक्शन कर देगा समझ पा रहे बात को इसलिए कभी भी आपको प्योर फॉर्म में तो ये मिल ही नहीं सकता तो अब आप बताओ आपके टूथपेस्ट में कैल्शियम डाल रहे हैं कभी नमक डाल रहे हैं थोड़े दिन बाद क्या आपके टूथपेस्ट में नमक की जगह क्या आपके टूथपेस्ट में छोले भटूरे हैं क्या आपके टूथपेस्ट में पानी पूरी है ऐसा भी आ जाएगा तो घबराओ मत वो सब भी बेवकूफ़ बनाने की पिक्चर है कैल्शियम प्योर फॉर्म में आप अगर मिल्क पीते हो तो मिल्क से आपकी बॉडी प्योर कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करके आपके बोन्स तक पहुंचाने का काम कर सकती है अदरवाइज प्योर कैल्शियम कभी भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन है हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोग हैं हम इसको साफ साफ मना करते हैं क्या बात समझ में आ गई क्या इसके अंदर कोई दिक्कत अब जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस तो हमेशा ध्यान रखना मेटेलिक नेचर इनक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप यानी आप ऊपर से जैसे जैसे नीचे जाना चालू करोगे आप जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाना चालू करोगे मेटेलिक नेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा अब यह क्यों बढ़ता है क्या कारण है पहले इस चैप्टर के अंदर आयोनाइजेशन इन थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को वेलेंट रेडियस ये सब सीख लो फिर एस ब्लॉक में जाकर इसकी ऐसी उधेड़ेंगे हम इसकी ऐसी बारह बजाएंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बेस्ट हो जाएगी बात बहुत बकवास है कोई दिक्कत तो नहीं सिर्फ एक बात ध्यान रखेंगे कि इस ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट लीथियम और इस ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट बेरेलियम थोड़ा सा कोवेलेंट नेचर रखता है तो लीथियम एंड बेरेलियम यानी दोनों ग्रुप के फर्स्ट मेंबर हैव कोवेलेंट नेचर थोड़ा सा इनका कोवेलेंट नेचर होता है मतलब ये कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं लेकिन सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सेजियम फ्रांसियम मैग्नेशियम कैल्शियम स्ट्रॉनशियम बेरियम रेडियम हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर आयोनिक बॉन्ड ही बनता है तो क्या ये हो गया आपका एस ब्लॉक एलिमेंट एक छोटा सा इसका ओवरव्यू दिया मैंने आपको आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे एक एक करके पढ़ो क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबे हो जाते हैं फिर आपका कंसंट्रेशन टूटता है काफी बच्चे मुझसे कह रहे हैं तो जरा इस एस ब्लॉक एलिमेंट को आज पढ़ लो तुरंत मैं क्या करूंगा साथ में पी ब्लॉक डी ब्लॉक अपडेट कर दूंगा अगर एक वीडियो हो जाए दूसरा लगा लो दूसरा हो जाए तीसरा लगा लो मैं तो बना रहा हूं अपनी स्पीड से ठीक है तो गाइज इसको देखें आगे की बात अगले वीडियो में करेंगे तो डेट सॉल्व फॉर दिस वीडियो बाय बाय मित्रों